कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने यूरोपीय संघ के सभी देशों के साथ ब्रिटेन और तुर्की से लोगों के भारत आने पर रोक लगा दी है। यह रोक 18 से 31 मार्च तक जारी रहेगी। यूरोपीय देशों में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2000 पार कर गया है। इटली, स्पेन, फ्रांस जैसे देशों में भी हालत खराब है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिसमूह की 7वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 18 मार्च से कोई भी एयरलाइन इन देशों के यात्रियों को लेकर भारत नहीं आएगी। यूएई, कतर, ओमान तथा कुवैत से आने वाले सभी यात्रियों को भी 14 दिन निगरानी में रहना होगा। राज्यों से संदिग्धों को अलग रखने वाली सुविधाएं बढ़ाने को कहा गया है। सरकार ने अपील की है कि लोग संक्रमण रोकने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। मंत्रालय ने कहा कि लोग बस, ट्रेन और हवाई जहाज से गैर जरूरी यात्राएं नहीं करें। निजी क्षेत्र के संस्थानों से कहा गया है कि जहां तक संभव हो कार्मिकों को घर से काम करने को कहें। बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएं। मंत्री समूह ने राज्यों से सभी शिक्षण संस्थाओं, जिम, म्यूजियम, सामाजिक सांस्कृतिक केंद्रों, स्विमिंग पूल, थिएटर को बंद करने की सिफारिश की गई। छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई की सलाह दी गई। होटल रेस्तरा में भी साफ सफाई के नए प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। स्थानीय निकायों से कहा गया है कि अगर उनके क्षेत्र में खेलकूद या कोई अन्य तरह की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है तो उसे टाल दिया जाना ही बेहतर है।